नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको NCERT कक्षा 10 गणित और कक्षा 10 गणित की जो पूरी बुक है और उस पूरी बुक के मैं आपको ऑल फॉर्मूले बताने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और गणित वो एक साधना है, एक तपस्या है और एक अभ्यास है। यानी गणित के अंदर आप जितना अभ्यास करेंगे गणित है वो आपको उतनी ही आएगी। तो सबसे पहले है आपके चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 1 है आपके वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। और रियल नंबर में आपके कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, तो सबसे पहले है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसका फॉर्मूला है आपके a इक्वल बी इंटू क्यू प्लस आर इक्वल जीरो। और सेकंड है आपके HCF और LCM में संबंध। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है आपके HCF गुणा LCM बराबर होता है आपके पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ओके, और HCF बराबर A गुणा B बटे LCM। यहाँ पर A और B जो संख्याएं हैं जो आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी। ओके, और उसके बाद में अगर आपको पहली संख्या निकालना है तो HCF गुणा LCM अपॉन दूसरी संख्या। अगर आपको LCM निकालना है और आपको दोनों संख्याएं दी हुई हैं और HCF दिया हुआ है तो A गुणा B बटे HCF। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 है आपके वास्तविक संख्या। इसमें ये सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं सारे फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 है आपके, और चैप्टर नंबर 2 है आपके बहुपद यानी पॉलीनोमियल्स। तो इसमें पहला सूत्र है आपके शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। दूसरा है आपके शून्यंकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा इक्वल में होता है आपके सी बटे ए। तो इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये आपके चैप्टर नंबर 3 है आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आपके पहला फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें वो सारे आपको तैयार करने हैं। ये आपके चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर पहला जो सूत्र है आपके द्विघाती सूत्र, जिसको श्री ध्राचार्य सूत्र भी कहा जाता है, तो ये आपको पढ़ना है। और उसके बाद में है मूलों की प्रकृति यानी विविक्तक कर ज्ञात करने का फॉर्मूला है, तो ये भी आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी के अंदर आपके सारू अंतर ज्ञात करने का सूत्र है प्रथम पद और एनवा पद और एन पदों का योग और अंतिम पद से एनवा पद ज्ञात करना, तो ये फॉर्मूले तैयार करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 में कोई फॉर्मूला नहीं है। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है आपके निर्देशांक ज्यामिति, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में अपनी कॉपी में भी इनको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये आपके चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर आपने ये फॉर्मूला तैयार कर लिया अच्छे से आपको, तो कोई भी क्वेश्चंस में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले के बगैर नहीं होंगी। तो फॉर्मूला है वो आपको जरूर तैयार करना है। और ये आपके चैप्टर नंबर 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें भी 6 या 7 फॉर्मूले हैं टोटल। और ये आपके चैप्टर नंबर 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें काफ़ी सूत्र हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और चैप्टर नंबर 14 है आपके सांख्यिकी, तो इसमें भी आपके जितने भी सूत्र बनते हैं सारे सूत्र मैंने लिखे हैं। और चैप्टर नंबर 15 है आपके प्रायिकता, और प्रायिकता के अंदर केवल दो ही सूत्र हैं, दो ही सूत्र आपको पढ़ने हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।